हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी होने वाला है। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 1 मिनट स्नाइपर्स स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। आज जो मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी में से एक है। इस स्ट्रेटजी में बिल्कुल हमारे स्नाइपर एंट्री होगी, उसमें सिर्फ 5 या 10 या 12 पॉइंट की स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें रिक्स रिवॉर्ड भी बढ़िया रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि स्कैल्पिंग के साथ आप अपनी पोजीशन को इंट्राडे में आप कैसे होल्ड करेंगे। आज जो आप सीखोगे, अगर इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और बैकटेस करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर आपने सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो डेली आप प्रॉफिट में क्लोज करोगे। 22 ट्रेडिंग सेशंस में मैक्सिमम 1 या 2 दिन लॉस करोगे जिससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ग्रेट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्नाइपर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के लिए टाइम फ्रेम होगा 1 मिनट एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पुलबैक इंडिकेटर विथ न्यू सेटिंग। आप चाहें तो पुलबैक एंड रेंज ब्रेकआउट दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ पुलबैक इंडिकेटर को यूज़ कर रहा हूँ। इस सेटअप पर ट्रेड लेने के लिए आपको 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। टू ट्रेड विद दिस सेटअप यू नीड टू फॉलो 3 बेसिक थिंग्स। फर्स्ट इज, अगर बाय सेल का सिग्नल CPR बैंड के अंदर है आप ट्रेड नहीं करेंगे। इफ़ द बाय एंड सेल सिग्नल इज इनसाइड द CPR बैंड यू विल नॉट टेक एनी ट्रेड। सेकेंड इज, मार्केट ओपन होने के बाद अगर फर्स्ट 2 आवर्स मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है या एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, देन ट्राई नॉट टू टेक अ ट्रेड। After the market opens, if price is trading in a narrow range or sideways, like in this type of situation, then avoid taking any trade. And third rule, अगर आपको ऐसी जगह पे अगर आपको buy या sell signals मिलता है, then you will not enter into the trade. तो शुरू करते हैं आज के ही दिन से। इस setup पर trade लेने के लिए हमें इस EMA को follow नहीं करना है। We need not follow this EMA while trading in this setup. तो आज 9:15 पे आप देख सकते हैं वी गॉट अ बाय सिग्नल बट ये रेड कैंडल पे है, इग्नोर करेंगे। उसके बाद आप देखिए, लेट मी इनलार्ज द स्क्रीन फॉर यू। तो इस सेटअप पर आपको जैसे ही बाय या सेल सिग्नल मिलता है एंड एज द हाई और लो ऑफ द बाय और सेल सिग्नल इज ब्रोकन, आपको एंट्री लेना है, यू हैव टू एंटर। अगर आप ATM एट द मनी ऑप्शंस परचेस करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो मैक्सिमम 8 से 12 पॉइंट तक होगा। एंड अगर आप इन दी मनी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ITM ऑप्शंस में, ध्यान देना है अगर आप ITM में ट्रेड करते हैं कम से कम 200 पॉइंट की इन दी मनी ऑप्शंस आपको लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर ये 44,411 है देन ITM विल बी 200 पॉइंट्स इन दी मनी, 44,200 की ITM ऑप्शन आपको बाय करना है। ITM ऑप्शन पर यूजुअली आपके जो स्टॉप लॉस होगा वो 20 से 25 पॉइंट का होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको रनिंग कैंडल में एंट्री लेना है एंड उसके बाद आपको 10, 12, 15, 20 पॉइंट जो भी मिल रहा है आपको वो लेके निकलना है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू एंटर ऑन अ रनिंग कैंडल एज द लो इज ब्रोकन एंड वॉट एवर पॉइंट्स यू गेट 10 to 20 पॉइंट्स यू हैव टू टेक एंड बुक योर प्रॉफिट एंड एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। अगर आपको पोजीशंस को होल्ड करना है, अगर आपको लॉन्ग जाना है, देन वन मोर थिंग व्हाट यू कैन डू, आप 2 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट लॉट आप रनिंग कैंडल में एग्जिट कर सकते हैं विद अ स्मॉल प्रॉफिट एंड सेकेंड लॉट को आप अपनी कॉस्ट प्राइस पर अपनी स्टॉप लॉस को रख के आप ट्रेल कर सकते हैं फॉर ए बिगर टारगेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अचीव भी हो जाता है। ये बाय सिग्नल, जैसे ही बाय सिग्नल ब्रेक होता है आप एंट्री लीजिए विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड यहाँ पर देखिए आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, ट्रिगर हो गया हो। तो व्हाट यू कैन डू, अगर अगेन आपका री एंट्री होता है आप री एंट्री ले सकते हैं एंड इस रनिंग कैंडल पर आप एंट्री लीजिए। सेकेंड लॉट कॉस्ट टू कॉस्ट में रख के यू कैन अगेन ट्रेल, आप देख सकते हो 100 पॉइंट्स के आसपास दिया होगा। एंड जैसे ही आपके 1 या 2 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है आप क्या करेंगे, इमीडिएटली उस दिन के लिए सिस्टम को बंद कर देंगे, कोई भी ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। सिग्नल्स, बाय सेल सिग्नल्स आते जाते रहेंगे, आपको सेटअप पे ट्रेड लेना है, अपनी पॉइंट्स निकालना है, उसके बाद यू नीड टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। सिमिलरली अगर मैं प्रीवियस डे का दिखाऊं, यहां पर देखो वी गॉट अ सेल सिग्नल, यहां पर ब्रेक हुआ है, तो जो भी आपको रनिंग मिल रहा है
आप लीजिए एंड यू कैन अगेन एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर देखो 1048 पर जो बाई सिग्नल है ये जैसे ही ब्रेक हो रहा है आप रनिंग कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो एंड यहाँ पर आपको इंडेक्स पर 30, 40, 50 पॉइंट्स मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है एक झटके में दो या तीन ग्रीन कैंडल्स बन जाता है, देन आपकी जो प्रॉफिट होगा वो काफ़ी लंबा है एंड सेकेंड लॉट को आप ट्रेल करते करते यहाँ पर 100-150 पॉइंट लेकर आप निकल सकते हैं। सिमिलरली अगेन सी हियर वी हैव गॉट अ सेल सिग्नल एंड आप देख पा रहे हो अगेन देयर इज अ फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। तो देखिए उसके बाद फिर से बाई है, फिर से सेल है, यू नीड नॉट फॉलो ऑल दैट। यहाँ पर आपका दो तीन सक्सेसफुल ट्रेड हो गया, आप क्लोज कर दीजिए, राइट। यू नीड नॉट कंटिन्यू डूइंग स्कैल्पिंग इन द फर्स्ट टू और थ्री ट्रेड्स। इफ यू हैव मैनेज अ डिसेंट प्रॉफिट एग्जिट फ्रॉम द मार्केट एंड कोशिश कीजिएगा 3 बजे के बाद कोई भी ट्रेड मत लीजिए। ट्राई अवॉइडिंग एनी ट्रेड्स आफ्टर 3 PM। लेट्स लुक एट दिस। यहाँ पर आप देखो जैसे ही लो ब्रेक हो रहे हैं आपको 30-40 पॉइंट मिल रहा है इंडेक्स पर, आप लीजिए। सेकेंड लॉट अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेल कर रहे हैं तो यू कैन बुक द सेकेंड लॉट हियर। इस बाई सिग्नल पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस देके आप निकल जाओ। अगेन इन द नेक्स्ट ट्रेड सेल सिग्नल है, स्कैल्पिंग ट्रेड भी है एंड अगर आप ट्रेल करेंगे तो अगेन देर इज अ जैकपॉट ऑफ 100 पॉइंट्स। यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड ऑन बाई सिग्नल, सेल सिग्नल, स्कैल्पिंग डन। 2 घंटे से मार्केट साइडवेज है, आप शांत बैठिए, कुछ मत कीजिए। अगर आपको फिर से ट्रेड लेना है तो आप 12:30 बजे के बाद आप देख सकते हैं, वरना यू कैन स्टॉप हियर। 2 बार अगर आपका बैक टू बैक स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है देन स्टॉप योर ट्रेड फॉर दैट डे। लुक एट दिस सिनेरियो, बाय सिग्नल ऑन अ रेड कैंडल इग्नोर, स्कैल्पिंग सक्सेसफुल। अगेन यू कैन सी द बाय सिग्नल यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो जो भी आपको 10-12 पॉइंट्स मिलता है टेक इट। सेकेंड लॉट अगेन यू कैन ट्रेल टिल हियर बट डोंट कंटिन्यू डूइंग दिस, नहीं तो कहीं ना कहीं पर फिर आपको घाटा हो जाएगा। लुक एट दिस ट्रेड्स, ये मेरे को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, ठीक है। सेल सक्सेसफुल, बाई सक्सेसफुल, अगेन सेल सक्सेसफुल। तो मार्केट ओपन होने के बाद 2 घंटे में आपके जो ट्रेड्स हैं वो सक्सेसफुल हो गया है, आप यू क्लोज द स्क्रीन, निकल जाइए मार्केट से, इसको और देखना ही नहीं है। यू नो नीड टू फॉलो ऑल दिस सिग्नल्स। देन लुक एट दिस ब्यूटिफुल सिग्नल, सेल सिग्नल, उसके बाद देखिए ब्रेकआउट, तो बूम ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स। अगेन सेम हियर, बाई सिग्नल, ब्रेकआउट 20-30 पॉइंट्स, टेक इट एंड देन ट्रेल एग्जिट। यहाँ पर देखो थोड़ा सा नुकसान भी होता है, कोई बात नहीं, फिर यहाँ पर देखो अगेन अ जैकपॉट ऑफ 200 पॉइंट्स। हमें इन सिग्नल्स से पैसे मिलेंगे, नॉट फ्रॉम दीज सिग्नल्स। तो हमें नहीं पता है कि विच आर करेक्ट विच आर रॉन्ग, हमें बस हमारे सेटअप को फॉलो करना है। जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो जाता है क्लोज द स्क्रीन, नो ओवर ट्रेडिंग, सक्सेसफुल ट्रेड, स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड। उसके बाद लुक एट दिस, लुक एट दिस रैली, इस रैली को देखो 300 पॉइंट्स का रैली, तो इसकी रिस्क एंड रिवॉर्ड देखिए ऑलमोस्ट 1:5, 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो आप इसको समझो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, मार्केट में सीधा ट्रेड मत करना, पहले अच्छे से बैक टेस्ट करना और पेपर ट्रेड करना, धीरे धीरे सीखना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेना है। लास्ट वन मोर थिंग, अगर आप थोड़ा सा डबल कन्फर्मेशन चाहते हो तो पुल बैक ट्रेंड चैनल की जो पेड वर्शन है जो कि लोअर टाइम फ्रेम में काम करता है, आप इसे अलग से सब्सक्राइब करके भी इसके साथ क्लब करके आप ट्रेड ले सकते हो एज ए डबल कन्फर्मेशन। पुल बैक ट्रेंड चैनल को कैसे यूज़ करते हैं, नॉर्मली जब लोअर बैंड को छू के रिवर्सल लेता है तो बाई पे एंट्री लेते हैं एंड अपर बैंड के रिवर्सल पर सेल। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब सेल सिग्नल मिलता है आपको देखना है कि अपर बैंड पे है कि नहीं। व्हेन वी आर गेटिंग अ बाय सिग्नल तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये लोअर बैंड पे है कि नहीं। यहाँ पर आपका ट्रेड और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।